साथियों, जय जवान जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। हरियाणा में पंचायती चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग हुई है। 30 अक्टूबर को जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत के यानी कि बीडीसी के वोट डाले गए, लेकिन जानकारी जो मिली कि जिला परिषद और बीडीसी के चुनावों का परिणाम तीनों चरण पूरे होने के बाद आएगा। ये साथियों पहली बार हो रहा है, यानी कि 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई, रिजल्ट 27 नवंबर को आएगा। लगभग एक महीने का समय, इतना समय ना तो विधानसभा चुनावों के परिणाम में लगता है, ना लोकसभा के परिणाम में लगता है, और तमाम तरह के जो चुनाव होते हैं इतना समय नहीं लगता। आदमपुर में 3 नवंबर को वोटिंग हुई है, 6 नवंबर को उपचुनाव का पूरे देश का रिजल्ट आ रहा है। यह सरकार की क्या साजिश है, यह हमें समझने की जरूरत है। जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले साथियों ने भी जिक्र किया, बीडीसी के चुनाव लड़ने वाले साथियों से भी बातचीत हुई। सरकार क्या खेल खेलना चाहती है, इसमें दो ही बात हमें समझ आती है और हम सरकार से भी जवाब चाहते हैं। पहला खेल तो सरकार ये कर सकती है कि सरकार के कैंडिडेट सरपंच के पहले चरण के चुनावों में बुरी तरह हारे हैं, उसी प्रकार से जिला परिषद और बीडीसी के चुनावों में भी सरकार समर्थित उम्मीदवारों को मतदाताओं ने धूल चटाने का काम किया है। सरकार के ज्यादातर उम्मीदवार हार रहे हैं, इसलिए सरकार कोई गड़बड़ कर सकती है अपने पक्ष में परिणाम लाने के लिए। और दूसरी बात जो समझ में आती है कि अगर पहले चरण का परिणाम आ गया तो दूसरे और तीसरे चरण के परिणामों में भी सरकार समर्थित बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार और ज्यादा बड़ी संख्या में हारेंगे। हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, एक जिला परिषद और बीडीसी के परिणाम के लिए एक महीना क्यों, और क्यों नई रीत और नई लाइन सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि पहले चरण की वोटिंग हुई है, बीडीसी और जिला पार्षद के जो रिजल्ट है उनको तत्काल जारी किया जाए। चुनाव आयोग का बहाना हरियाणा की खट्टर सरकार गठबंधन सरकार बनाना बंद करे, ये सरकार का बड़ा षड्यंत्र है। सरकार तुरंत प्रभाव से परिणाम जारी करे ताकि किसी प्रकार की गफलतबाजी और गलत ना हो सके, पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी